गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवियन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स के हिंदी बुक पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि आपका वीडियो नहीं बन पाया है किसी कारणवश, इसलिए हमें आदेश मिला है कि सिक्स के हिंदी के वीडियो मुझे बनाना है। तो ध्यान दीजिए, जो भी पढ़ाते होंगे हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन आज मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें आपका न्यू बुक से मैं वीडियो बना रही हूँ। आज चैप्टर वन के पहले एक कविता है। किताब का नाम है अंतरा क्लास सिक्स और कविता का नाम है प्राणी वही प्राणी है। इस कविता को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह याद करेंगे अर्थ के साथ, ठीक है। तो पहले हम कविता के परिचय जान लें कि इसका लेखक कौन है और कविता के नाम क्या है, ठीक है। अब जिस तरह आपको टीचर पढ़ाते होंगे उसको हमको नहीं पता है, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके अनुसार आपको पढ़ना है। देखिए, कविता का नाम है प्राणी वही प्राणी है। प्राणी तो जानते ही हैं कि प्राणी वही प्राणी है, ये तो पता है कि प्राणी माने मनुष्य। प्राणी माने क्या होता है? मनुष्य, आदमी। और वही माने वही प्राणी है जो अच्छा करता है। अब आगे देखिए, इसका लेखक जो है भवानी मिश्र है। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक भवानी मिश्र है। ये देखिए, इसका लेखक भवानी प्रसाद मिश्र है। इसलिए अब जो है इसका पहले हम इंट्रोडक्शन कुछ बता दे रही हूँ, उसके बाद कविता अर्थ के साथ पढ़ाऊंगी। ध्यान दीजिए, इस कविता के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कवि इस कविता के माध्यम से मानवता के धर्म और सच्ची मनुष्यता का ज्ञान कराने का प्रयास किया है। इस कविता में प्राणी को सच्चा धर्म क्या होता है ये बताया गया है, ठीक है ना, कि मनुष्य के जो है प्राणी के सच्चा धर्म क्या होता है, ठीक है। इस कविता के माध्यम से कवि बताने का प्रयास किया है, यानी बताया है। ध्यान दीजिए, इस कविता है कि तापित को स्निग्ध करें, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। अब इसका अर्थ सुन लीजिए। यहाँ पे कवि ने कहा है कि सूर्य की गर्मी तथा गर्मी से तपा हुआ और प्यासा व्यक्ति को जो चैन दे, चैन माने आराम दे, तथा सूखे हुए ओठों को फिर से जो बोली दे। बोली का मतलब हुआ कि जैसे जो सूखे हुए ओठ को जो उसे क्या कर दे, स्निग्ध कर दे, मैंने स्मूथ कर दे, मैंने गीला कर दे, यानी बोली, और आवास दे जो पानी, फिर से जो बोली दे या आवाज़ दे वो पानी है, और जो मुसीबतों के आने पर आगे नहीं बल्कि उसका डटकर मुकाबला करे तो वही सच्चा प्राणी है। कहने का मतलब है कि ये न कि डरे और लालच में ही कुछ उल्टा सीधा बके, ऐसा नहीं, जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है और वही सच्चा मानव है और वही प्राणी है। आगे देखिए, लंगड़े का पाँव और लूले का हाथ दे। लंगड़े का पाँव मतलब समझे ना, जो लंगड़ा व्यक्ति है उसको पाँव दे, और लूला माने जिसका हाथ नहीं है उसे क्या दे, हाथ दे। सत्य का संभार दे, मरने तक साथ दे, बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डरा झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। अब ध्यान दीजिए, आगे भी आइए पारा में। माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे, जो
रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। इसमें है, इसके द्वारा कवि कह रहा है कि इस पैराग्राफ में कवि ने बताया है कि जो लंगड़े को लूल्हे को सहारा दे, समझे, कहने का मतलब कि लंगड़े लूल्हे व्यक्ति जो अच्छी तरह नहीं काम कर पाते हैं, चाहे नहीं अपना असमर्थता प्रकट करते हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लूल्हे लंगड़े को सहारा दे वही प्राणी है जो हमेशा सच बोले और सतमार्ग से कभी भी नहीं हटे तथा सतमार्ग पर डटे रहे और डर से अपना सच्चाई नहीं खोवे। ठीक है, आगे देखिए। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। इसमें कह रहा है कि एक पैराग्राफ और रह गया है क्या, ध्यान दीजिए। माथे का फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। कहने का मतलब है कि मरे जरूर आदमी, लेकिन जस के भागी बने। कहने का मतलब है कि अपना जस कीर्ति फैला करके मरता है तो उसका नाम क्या होता है, अमर रहता है। और प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, टोटा माने ऐसे प्राणी की कमी नहीं है दुनिया में, टोटा माने कमी होता है, तो इस तरह के प्राणी की कमी नहीं है, लेकिन किसका गुणगान रहता है, जो अच्छा करता है, जस कीर्ति करके मरता है, अपने जस को फैला के मरता है, उस प्राणी की नाम सदा के लिए अमर रहता है। इसमें इसका कहने का आशय है कि कभी यहाँ पर कभी ने यह बताना चाहा है, ऐसे लिखिएगा, मनुष्य अपने आप को इतना काबिल बना ले कि जो इस संसार को विकास तथा सफलता की दौड़ में आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके तथा अपने देश की सेवा में जो अपने प्राण का बलिदान दे, प्राण का बलिदान दे दे, उसी प्राणी का मरना सार्थक है। कहने का है कि जन्मता सब कोई है, मरता सब कोई है, लेकिन जस करके मरता है वह, उसका नाम कीर्ति हमेशा के लिए फैलते रहता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। निस्वार्थ क्या हुआ, जैसे किसी की भलाई करें तो उससे भलाई की इच्छा ना करें। प्राणी का सच्चा धर्म वही है, कोई प्राणी बड़ा या छोटा नहीं होता है, इसलिए हर एक प्राणी को निस्वार्थ भाव से अपना काम तथा दूसरों का मदद करना चाहिए, यही एक प्राणी का परम धर्म तथा कर्तव्य है। अब देखिए आगे। इसमें है सरदार, छोटा सा है, कठिन शब्द है, इसको याद करिएगा, क्योंकि यही याद जो है आपका भावार्थ में सहयोग करेगा। तापित माने क्या होता है, लंगड़े, ये सब याद करिएगा। शब्दार्थ जो है बहुत कम है, चार को तो शब्दार्थ है। आगे देखिए, जितना भी पंक्ति है उसका हम मोटा मोटी बना दी हूँ और अर्थ इतना अच्छा से बता दी हूँ कि इस अर्थ के जरिए आप जो भी जहाँ भी प्रश्न उत्तर होगा, ओरल क्वेश्चन, रिटेन क्वेश्चन, सब नोट कॉपी में बनाइएगा। और थोड़ा बहुत सही गलत जो था वो मैं बना दी हूँ बुक में, देखिए ध्यान से और इसको याद करिएगा। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी बना दी हूँ, टिक द करेक्ट बना दी हूँ। अब जो है इसमें आप दो तीन को क्वेश्चन है वो भारी नहीं है, उसको भी बनाइएगा। ये देखिए कविता के आशय भावार्थ भी लिख दी हूँ, इसको ध्यान से देखिए। और एक वाक्य जो बनाना है इसको खुद बनाइएगा, क्योंकि ये हिंदी है, ये ज़्यादा हार्ड विषय नहीं है, तो हिंदी है तो इसके वाक्य जो है आप खुद बनाइए, जैसे प्यासे, लालच, प्राणी, हरगिज, क्योंकि वाक्य तो छोटा छोटा भी बना ही सकते हैं ना। प्यासे क्या, दो कौवे प्यासे थे, चाहे किताब से बनाइए चाहे अलग से बनाइए। लालच, लालच बुरी बला है ना। प्राणी, प्राणी को उपकारी होना चाहिए। इस तरह के वाक्य बनाइएगा। आगे देखिए, इसमें प्रश्न उत्तर जो है, प्रश्न उत्तर भी कोई भारी नहीं है, इसका अर्थ के साथ ही प्रश्न उत्तर बना लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 यह है, एक अच्छे मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, जो अभी बताए कि प्राणी वही प्राणी है जो लूले लंगड़ों को सहायता करे, अपने धर्म पर अडिग रहे, सच्चाई बोले, हमेशा झूठ से न डरे और सच के मार्ग को न तोड़े। यही सब उसका अर्थ है। हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें किससे हरगिज नहीं डरना चाहिए, हमें झूठ से हरगिज नहीं डरना चाहिए। कविता के अंतिम पंक्ति के में कवि ने प्राणी को क्या माना है, जो हम इंट्रोडक्शन दिए हैं कि इसमें प्राणी को क्या माना है, इस कविता में के भाव में कवि मानवता को सच्ची मनुष्य का ज्ञान कराने का बोध किया है और उसे एक अच्छा मानव उपकारी मानव माना है, ज्ञानी। ठीक है, अब दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब है, गला भी ख़राब है, इसलिए आवाज़ साफ साफ नहीं जा रहा होगा, लेकिन मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा आदेशानुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। गला